अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक है आप लोगों की दुआ से। तो आज मैं आप लोगों से वाटरमेलन की जूस की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, बहुत इजी है। तो आप लोग इफ्तार में ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध ले लिया था, उसमें शुगर ऐड करके बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे मैंने आधे पीस कलिंगड़ वाटरमेलन को ऐसे कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पे मैंने आधा कप रूह अफ़ज़ा ले लिया था, उसे ऐड कर दिया था। और जो वाटरमेलन है उसे भी हमने ऐड कर दिया था। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही मज़े की हमारे वाटरमेलन जूस रेडी है। और इसमें हम आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे और हमारा वाटरमेलन जूस रेडी है। माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे मैंने सर्व करने के लिए इसमें पहले से आइस क्यूब्स ऐड कर दिया था, और पहले भी हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया था। और यहाँ पे हम सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का जूस बनता है, तो आप लोग इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसे हम मोहब्बत वाला शरबत भी बोला जाता है बहुत से जगहों पे। तो ये देख सकते हैं, हमारा डिलीशियस सा शरबत रेडी है, वाटरमेलन जूस। तो आप लोग इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको ये सिंपल सी वाटरमेलन जूस रेसिपी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जैसे कि समर सीज़न है, तो आप लोग इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। माशाल्लाह, बहुत ही मज़े का बनता है ये जूस, रिफ़्रेशिंग सा जूस है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।